प्रणाली की सबसे पहली पसंद स्वर्णाभूषण। और जब स्वर्णाभूषण की बात हो तो हमारे शहर का सबसे विश्वसनीय नाम सुभाष ज्वेलर्स, जिसे आपके प्यार और विश्वास ने बनाया है सबसे खास। खरा सोना आपके भविष्य की जमा पूंजी। खरा सोना मतलब सुभाष ज्वेलर्स का सोना। एक बार फिर हम तैयार हैं आधुनिकतम और सबसे नए स्वर्ण एवं डायमंड ज्वेलरी के साथ। और हमारा पता है सुभाष ज्वेलर्स, छोटा सराफा, श्री गणेश मंदिर के आगे। आप लोग कहाँ से आए और आज यहाँ एसपी ऑफिस आए, क्यों आए, क्या मामला है? हम थापना से आए हैं और एसपी ऑफिस में आवेदन देने आए हैं। क्या वजह? मेरे भाई ने सुसाइड कर ली घर घात के, तो उसको आवेदन देने आया। वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। कौन है जिम्मेदार, क्या है? जिम्मेदार लड़की के भाई है और उसके जीजा है, श्याम सिंह मोरे उसका मौसी का लड़का है, और उसका संदीप चौहान उसका भाई है, और उसका जीजा कपिल मोरे। ये तीनों ने मेरे भाई को धमकी दी से मारने की। कब दिए थे ये सुसाइड? उन्होंने 10 तारीख को धमकी। कब दिए थे ये हमको नहीं पता। धमकी कब दी? जब उनका मोबाइल खुला तब हमको पता चला। उनके मोबाइल में सारे प्रूफ वगैरह सब है और सब हमको उन्होंने बताया। क्या कारण था कि जिन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया? किसी लड़के से वो प्रेम करते थे, तो उनके जब लड़के के घर वालों को पता चला तो उसके जीजा वगैरह ने मेरे भाई को धमकी दी जान से मार देंगे। और उसके मरने के बाद भी पुलिस वाले कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं और थाना प्रभारी उसकी बदनामी कर रहा है। तो चार चार के साथ उसका अफेयर था। अगर उसका अफेयर था किसी के साथ, तो हमारे सामने लाके खड़ा करें कि किसके साथ उसका अफेयर था। उसको थाना प्रभारी को भी किसने बोला कि किस उसके साथ अफेयर है? उसका नाम तो बता दे हमको एक बार। कौन लोग है ये? कहाँ के रहने वाले? ये इंदौर के रहने वाले। और ये लड़का? लड़का था अपना का। धमकी देने वाले कौन कौन है? लड़की का जीजा, लड़की के दो भाई है और एक मौसी का लड़का है। क्या क्या नाम है उनके? मौसी के लड़के का नाम श्याम मोरे और लड़की के भाई का नाम है संदीप चौहान और उसके जीजा का नाम है कपिल मोरे। श्याम मोरे क्या करते हैं? वो नेता रह चुके हैं भाजपा के। कहाँ पे रहते अभी? ग्राम थापना में ही रहते वो। अभी आप आए तो क्या बोल रहे हैं यहाँ से? अभी एक कोई सर से मिले ही नहीं हम। क्या कार्रवाई की मांग? क्या अभी कुछ भी पता नहीं है। अभी सर से मिलेंगे, उसके बाद